रेवलेशन अध्याय तीन से लेके तीन चार से लेके पांच तक परमेश्वर ने बाइबल का स्पिरिचुअल मीनिंग, आवाज आ रही है मेरा पीछे तक, आवाज क्लियर है? ठीक है। बाइबल का स्पिरिचुअल मीनिंग और इसका मतलब क्या है, प्रतीक, एक सिंबलिकली परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमें जब हम सफेद कपड़े हमें देता है, बाइबल में कहां कहां वो चीज रेफरेंस किया गया, और आज हम देखेंगे परमेश्वर की वजह से। रेवलेशन अध्याय तीन चार से लेकर पांच तक। पर हां, सर्दीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा गया, जो मैं, जो किसको दिया जाता है वाइट कपड़े, जो जीत जाता है, बोलो जो जीत जाता है। आप इस धरती में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन में जब आप आगे चलेंगे, जो जीतता है, आप जानते हैं एक रेस में बहुत सारे लोग दौड़ जाता है, बट एक कुछ बंदे जीत जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी बहुत सारे लोग हार जाता है। मसीह जिंदगी में भी, जब मैंने भी अपनी मसीह जिंदगी शुरू किया था, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी दौड़ा था, बट बहुत सारे लोग फेल भी हो गया, बट कुछ लोग जीत के आगे निकला। आज जो परमेश्वर ऐसे ही जो जीत के आगे निकलता है उन लोगों को सफेद कपड़ा देता है, उसका मतलब एज ए रिवॉर्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में, मेडल के रूप में इस वाइट कपड़ा देता है। और परमेश्वर ने बोला जो जीतता है, साउंड ठीक नहीं आज, जो जीतता है उसको एज ए रिवॉर्ड, एज ए अवार्ड परमेश्वर उस ब्लेसिंग देंगे, और उसको परमेश्वर ने बोला मैं अपनी साथ किसके साथ बिठाएंगे, पढ़िए दोबारा, आपको समझ नहीं आया वो शायद। पर हां, सर्दीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र अपने पहने, अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। आपने एक बच्चे, आप मैंने बहुत सारे लोगों को, आपके बच्चों को भी सफेद कपड़ा पहना के लाया होगा, बट मैं गारंटी देता हूं जैसे आप घर पहुंचोगे उनके कपड़े क्या होते होंगे, आज गंदा होगा, गड़बड़ किया होगा। लाइफ में भी अपनी जिंदगी, अपनी आत्मिक जिंदगी, अपनी पारिवारिक जिंदगी, अपनी विश्वास जिंदगी गंदे नहीं करना, अपनी विश्वास की जिंदगी बचा के रखना, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे। जब मसीह जिंदगी में आगे चलते जाएंगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको मेरा चैलेंज अलग होगा, आपकी चैलेंज अलग होगा, बट जब हम इसको बचा के रखेंगे, जब हम इसको रिवॉर्ड लेके आएंगे, परमेश्वर आपको एज ए रिवॉर्ड देंगे, अपने साथ बिठाएंगे। सोच विचार और परमेश्वर अपना धार्मिकता आपको देंगे, मेरी और आपकी धार्मिकता नहीं है, खुद साफ करने भी कोशिश मत करना। बच्चे ने, आपने ये चीज देखा होगा, बच्चे कपड़े कभी साफ करने कोशिश करते, कोई चीज दाग लग गया वो खुद साफ करने देखता तो क्या होता है वो, माता पिता है आपकी, जब बच्चों के ऊपर कुछ दाग गिर जाता है, सब्जी गिर गया, इंक गिर गया, वो साफ करने कोशिश करता, क्या होता है, साफ होता है और गंदा होता है वो, और गंदे होता है। जब हम भी कभी पाप में जाते हैं या कोई ऐसे गड़बड़ियां होती है, खुद सोचता है मैं खुद अपनी हिम्मत से आगे चलूंगा, खुद अपनी विल पावर से चलूंगा, नहीं, अपनी विल पावर पे नहीं चलना, अपनी उस ताकत पे नहीं चलना, यीशु मसीहा की धार्मिकता को डिपेंड करके आगे चलना, खुद की धार्मिकता नहीं, किसकी धार्मिकता में आगे चलेंगे, जीसस क्राइस्ट की धार्मिकता। मुझे याद है मेरी फादर लो, जब वो मसीह में आने के बाद भी बहुत टाइम तक वो सिगरेट पीता था, कम से कम दो ढाई तीन साल, कभी कभार ड्रिंकिंग तो शायद मसीह में आते ही वो छोड़ दिया था, बट स्मोकिंग तब भी करते जा रहा था। वो खुद बहुत बार ट्राई किया छोड़ने के लिए अपने विल पावर पे, लोगों ने समझाया, बट जैसे वो एक टाइम उनको समझ आया, उन्होंने प्रार्थना भी करना शुरू हो गया, परमेश्वर मैं कैपेबल नहीं हूं, ये मेरी मस की बात नहीं है, तू मुझे मदद कर। जिस दिन उन्होंने वो प्रार्थना करना शुरू किया, तू मुझे मदद कर, तू मुझे हेल्प कर, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, वो कुछ दिनों में वो जल्दी उस आदत से बाहर आ गया। आज सेम वे आप भी खुद की धार्मिकता में नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप प्रचार सुनेंगे तुझे ट्राई करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, आप जितनी मर्जी भी खुद में ट्राई करो होगा नहीं, इसलिए यीशु की धार्मिकता में विश्वास करना। किसकी धार्मिकता में? यीशु मसीहा की धार्मिकता में। जब आप विश्वास करते हैं, आप इन बीमारी से, इस परेशानी से, इस ट्रबल से, इस इश्यू से आप बाहर आ पाएंगे।
और एज ए रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। किसके साथ बिठाएंगे आपको? किसके साथ बिठाएंगे? उसी बाइबल में परमेश्वर अपने साथ बिठाएंगे। कोई सेलिब्रिटी या कोई इंपॉर्टेंट बंदा आता है, दुनिया जाके उसके साथ सेल्फी खींचता ना। आप एयरपोर्ट जा रहे थे, आपने ऐश्वर्या राय को देखा, जाके उसके साथ सेल्फी खींचा। ऐश्वर्या राय आपको जानते हो? जानते हो क्या ऐश्वर्या राय आपको? अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खींचा, वो आपको जानते? नहीं जानते। बट यीशु आपको जानता है और वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस धरती का मसीहा। परमेश्वर कह रहे हैं आई विल मेक यू सिट विथ मी, तू मेरे साथ बैठेंगे, भोजन करेंगे, तू मेरे साथ चलेंगे। क्या प्रिविलेज दे रहे परमेश्वर आपको और मुझे? आमीन। इस प्रिविलेज को खोना नहीं है, इसलिए यीशु में आने के लिए परमेश्वर आपको पुकारता है, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ भोजन कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे आशीष में, अनुग्रह में, बरकत में लेकर जाना चाहूंगा। जकराया में तीन चार बाइबल वर्स में शेयर करूंगा, बुक ऑफ जकराया चैप्टर 3:3-4। राहुल, जकराया अध्याय 3:3-4। दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाई ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? एक और बार पढ़िए उसको। दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं, एक जकराया अध्याय 3:3-4, बुक ऑफ जकराया चैप्टर 3:3-4। उस समय यहोशु तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। उस विजन में देखा अपोस्टल जो हाई प्रीस्ट जोशुआ, वो गंदे वस्त्र में, मेले वस्त्र में था। बट परमेश्वर ने बोला इसका इस गंदे वस्त्र उतारो, उसके बाद इसको नई कपड़ा, रिच कपड़ा पहनाओ। जब आप यीशु के सामने आके खड़े रहते हैं, परमेश्वर यही काम कराता है आपकी और मेरी जिंदगी से, पाप को दूर कराता है, पाप को दूर करा के हमें नई कपड़ा पहनाता है। एक माँ या बाप अपनी गंदे कपड़े पहन के हुए बेटा आ जाता है, बेटी आ जाता है, माँ उसको हटाता है, बाप उसको हटाता है, बोलते हैं इस नए कपड़े को लो। आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं तेरा पाप भरा हुआ जिंदगी, परेशानी भरा हुआ जिंदगी, दुख भरा हुआ जिंदगी, ट्रबल भरा हुआ जिंदगी, इससे हटा के मैं तुम्हें नए वस्त्र दे रहा हूँ। आज आप यीशु मसीह को उद्धार कर रूम में स्वीकार करेंगे। हो सकता है आप पहली बार आए, बहुत सारे लोग आपकी उस जिंदगी दुख भरा हुआ, तकलीफ भरा हुआ, परेशानी भरा हुआ, उसे दूर करके परमेश्वर आपको नया जिंदगी के साथ, नई आशीष के साथ आगे लेके जाएंगे। आमीन। बट डिपेंड हो परमेश्वर में, खुद के ऊपर नहीं। हम दुनिया के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट आज जीसस क्राइस्ट के ऊपर। इसलिए परमेश्वर बहुत बार वचन में बोला मेरे सामने आने का टाइम बच्चे के समान आओ। कैसे आ जाओ? और जब बच्चे आ जाते हैं आप कपड़े निकाल के उसको नए कपड़े पहनाता है। आज एक सिंबॉलिकल है, हाई प्रीस्ट को भी जब खुदा के सामने पहुंचा, परमेश्वर ने इसको हटा के नए कपड़ा दो। आज जैसे आप सिंबॉलिकली एक प्रतीक के रूप में आपने सफेद कपड़े में बैठा है, मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ्य नाम से शुद्ध करके, साफ करके परमेश्वर आपको नई अनुग्रह, नई बरकत, नई सामर्थ्य के साथ भरने वाला है। आमीन। ये सिंबॉलिकली एक नई शुरुआत है, एक नई सीजन का, नई बरकत का, नई आशीषों का, नई चंगाई होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। रेवलेशन अध्याय 7:13-14 तक ये सारे जब आप प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन में, रेवलेशन अगर आप स्वर्ग के बारे में पढ़ना चाहते हो प्रकाशित वाक्य पढ़िए, आने क्या होने वाला समझना चाहते हो प्रकाशित वाक्य पढ़िए। बाइबल एकमात्र किताब है। धरती हुआ कैसे, धरती का पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आने वाले टाइम में क्या होंगे, सब चीज आपको गारंटी के साथ लिख के दे रखा है। बहुत लोगों का रिलीजियस सिस्टम है, आप उनसे पूछेंगे तुझे पता कहां से चला, बोलेंगे चाचा ने बोला, ताई ने बोला, माँ ने बोला। बट बाइबल में आपको बोलने की जरूरत नहीं चाचा ताई बोला, बाइबल में परमेश्वर का वचन ने बोला, इसलिए मैंने इस चीज को मानता हूं। रेवलेशन प्रकाशित हुआ के अध्याय 7:13-14, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7:13-14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने जब लोग आए थे, पूछा ये लोग कौन है जो हजारों लाखों करोड़ों जो लोग मेरे सामने आए, बोलते ये लोग कौन है जो आया हुआ है, तो लोग जो कह रहे ये वो है जो श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, यह वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं,
इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण ये वो लोग है, कौन है वो लोग, किससे निकल के आए, महाक्लेश से, परेशानी से, तकलीफ से, ट्रबल से, वो यीशु के सामने आए। उसका मतलब आपको लग रहे होंगे आपकी विश्वास जिंदगी के लिए कलेश है, कोई परेशान कर रहा है, कोई परिवार परेशान कर रहा है, कोई रिलेटिव परेशान कर रहा है। जब आप उस क्लेशों से, दुखों से, परेशानियों से निकल के जाएंगे, आप जाएंगे राजा महाराजा यीशु के सामने खड़ा करेंगे। आपका रिवॉर्ड कहां है स्वर्ग में, किसके सामने खड़ा होगा, परमेश्वर यीशु के सामने। आपके लिए वो जगह तैयार कर रखा है परमेश्वर ने। हेवनली पर्सपेक्टिव्स में जीना, जब आप धरती में जीने का टाइम पे ये समय ना, आप इस जगह का नागरिक नहीं है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में परमेश्वर के साथ जाएंगे, जिएंगे, उसके साथ लाइफ एंजॉय करेंगे। और जब आप ये क्लेश से निकल के आएंगे, आपका एक रिवॉर्ड है, आपका एक रिवॉर्ड को क्या बोलते हैं, प्रतिफल। जब आप इस क्लेश से निकल के आएंगे, एक प्रतिफल आपको वेट कर रहा है। बोलो पड़ोसी को, एक प्रतिफल, एक महा ग्रेट रिवॉर्ड तुझे इंतजार कर रहा है। बोलो पड़ोसी को, तेरे बारे में पता नहीं मुझे, बट मेरे को पता है, मेरे लिए एक बहुत महा रिवॉर्ड इंतजार कर रहे है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। किसको पता है, कॉन्फिडेंट है, कितने लोग कहा पक्का पता है, मेरा तो मिलेगा ही। उस क्लेश से आप निकल के जाएंगे, उसके बाद ही प्रतिफल मिलता है। जब आप चुनौती लोगे और वो मेमने के लहू में अपने आप को साफ करके, यीशु के लहू में, आज भी हम प्रभु भोज लेंगे, कम्युनियन लेंगे, आज हमें वो याद दिलाता है, पाप से खुद धोने से आप बचेगा नहीं। अभी तक जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया, विश्वास करते, विश्वास तो बहुत लोग करते हैं यीशु मसीह में, उस टाइम बहुत लोगों ने विश्वास किया, विश्वास करने से नहीं, जब आप बपतिस्मा लेते हो उस पानी से, आप मृत्यु से लेके पानी से धुल के आ रहे हैं, और उसके बाद जब प्रभु भोज लेते, यीशु का उस लहू आप पी रहे, उस लहू से धुल के आता है। विश्वास से नहीं होगा, विश्वास प्लस एक्शन दोनों जरूरी है। कितने लोग शादीशुदा है, पति आके बोले आपसे शादी के पहले, मैं विश्वास दिलाता हूं तो मेरे साथ आज से रहना शुरू कर, आप क्या बोलेंगे? अच्छी परिवार के लड़के लड़की तो क्या बोलेंगे? विश्वास तो ठीक है भैया, चलो मैरिज करते, चर्च में, मंदिर में, जहां आप चर्च में करते हो, कोर्ट, उस प्रोसेस करके मैं तेरे साथ चलता हूं, उसके बाद वाइफ होता है, नहीं है तो गवर्नमेंट भी बोलता है लिव इन, आया गया पिया उठा के कूड़े में फेंका, खाया उठा के, वो नहीं है। पर उस एग्रीमेंट में आप जाते हो, उस कवेनेंट, उस वाचा में आप जाते हो, उस हस्बैंड वाइफ बन जाता है। आज अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, एप्लीकेशन दो, अगले हफ्ते बपतिस्मा होंगे और यीशु का दुल्हन बनो। जब आप उस रिवॉर्ड का धरती में, स्वर्ग में, दोनों जगह उस आशीष को आप एक्सपीरियंस करो और उस बरकत भरा हुआ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आमीन, आमीन। और बढ़ेंगे वो, कौन है ये? रेवलेशन 7:13-14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में, एज ए विक्ट्री मिला, एज ए जीत का साइन है। आपकी जो कपड़े हैं, जो स्वर्ग में देने वाले, ये सिंबॉलिकली है, स्वर्ग में शारीरिक कपड़ा नहीं होंगे, बट परमेश्वर लिखा गया वो अलग एक वस्त्र देंगे आपको स्वर्ग में। हेवनली पर्सपेक्टिव। और आप सोचेंगे मैं तो जवान हूं जी, बहुत दिन जीऊंगा, अभी सारे उल्टा सीधा काम करूंगा, आपको पता नहीं कौन सी दिन आपका बुलावा आने वाला है। हो सकता है 100 साल के बाद, हो सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है 10 साल के बाद, बट जब परमेश्वर के सामने आप खड़े रहेंगे, विक्ट्री और जीत को लेके जाना, खाली हाथ भी नहीं जाना, कुछ आत्माओं को बताऊंगा उसके साथ। 19:7-8 रेवल्यूशन प्रकाशित हुआ अध्याय 19। बहुत जगह आप देखते हो, बहुत जगह व्हाइट गार्मेंट्स की मेंशन है, जीत की मेंशन है, विक्ट्री की मेंशन है। जो जीत के, विक्ट्री के साथ यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, और उम्मीद परमेश्वर ने दिया गया। मैं अभी किसी से बता रहा था रिस्क लेना परमेश्वर के लिए, अभी बताऊंगा उस चीज को, समझाएंगे। रेवल्यूशन प्रकाशित हुआ के 19:7-8। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें,
क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। वो तैयार, पढ़िए उसको एक और बार। क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है। मेमना कौन है? मेमना कौन है? यीशु मसीह का विवाह आ चुका है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने, दुल्हन कौन है? मैं और आप यीशु का दुल्हन है। उस दुल्हन को परमेश्वर के लिए तैयार करना है, इसलिए दुल्हन को क्रिश्चियन सेरेमनी में आप देखते हैं, क्रिश्चियन मैरिज जब आप देखते हो, वो हस्बैंड जीसस क्राइस्ट, वाइफ चर्च, वो सेम जो मैरिज होगा वो ही धरती में भी दिखा रखा है। एज ए वाइफ अपने आप को सफेद कपड़े में शुद्ध करते हुए, बिना कोई दाग कपड़ा में है नहीं, वो अपनी हस्बैंड के पास जाता है, उस सारे प्यूरिटी के साथ, शुद्धता के साथ अपना पति का बनती है। सेम वे कलीसिया भी, आप भी अपने दिल से शरीर से यीशु मसीहा का बनना है। yes. किसी और के सामने मथा टेकेंगे तो यीशु का नहीं बनेंगे। अब सीजन चल रहे जी, आज कुछ और देखेंगे, अभी देखेंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, यीशु का नहीं बनेंगे। आज दुकान लग रहे जी एक्स्ट्रा, उस पार्क में कुछ सेलिब्रेशन चल रहे हैं, आज दुकान लगाता हूँ, 500 रुपये कमाते हैं। यीशु इंपॉर्टेंट है संडे या दुकान में आज 500 रुपये कमाए इंपॉर्टेंट है? कोई तो मिस होगा आज भी, बोलता आज इस पार्क में, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप समझते होंगे, आज ये माल बेचते वो माल बेचते। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है संडे कुछ बंदे ऐसे होते हैं, आज दिहाड़ी 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा तो बस संडे जाएंगे। आज एक बुकिंग एक्स्ट्रा आ गया, किसी ने एक्स्ट्रा क्लाइंट आया, बस संडे गया। दुल्हन है, दुल्हन अपनी, आपकी पत्नी, पत्नियों से पूछ रहा हूँ, हस्बैंड गया हफ्ता 10 दिन के लिए ट्रैवल में कहीं, आपको एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, पति आएंगे मिलेंगे, नहीं होता? प्यार करने वाली पत्नी को होता है, मेरा हस्बैंड आएंगे मिलेंगे, बच्चों को एक्सपेक्टेशन होता है कुछ माल ले आ रहा होगा, बलून कार, बट वाइफ को उससे नहीं, वाइफ को दुल्हन अपने हस्बैंड आने वाला है, मिलने वाला है, उससे मिलना है, उसके साथ उस एक होना है। सेम वे आज ए दुल्हन आपको जीसस क्राइस्ट मन में होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, वो उल्टा सीधा काम नहीं होना, मेरा यीशु मेरा परमेश्वर दुल्हन, डिजायर मुझे आराधना करने में, मुझे नहीं आपके बारे में पता नहीं, मुझे तो लव भरा होता है उस आराधना करने, आई लव द लॉर्ड, मेरे को प्यार है परमेश्वर से, रोमांटिक लव है वो, डर भरा हुआ लव नहीं है वो, कुछ मिलेंगे वो लव नहीं है, बट इज अ डिफरेंट, वो एक इट्स अ रोमांटिक लव टुवर्ड्स गॉड। आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक, आपका क्रिश्चियन एक्सपीरियंस शुरू नहीं हुआ। हाँ जी यीशु बाबा है जी, माथा टेकेंगे आज यीशु बाबा, वो रोमांटिक लव नहीं है, वो अलग है। आप जिस दिन वो समझेंगे आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे परमेश्वर का। और पढ़िए उसको, उस वर्ष को, और उसकी दुल्हन 19:7-8। क्योंकि मेमने का विवाह आ चुका है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार किया गया, पूछो पड़ोसी से, भाई तैयार हो तो यीशु मसीह का दुल्हन तू तैयार है? नहीं नहीं पूछा नहीं आपने, पड़ोसी पूछो यीशु मसीह का दुल्हन तैयार हो? कुछ दुल्हन तैयार नहीं होता, जैसे कुंवारियों का बाइबल में एक जगह ना, कितनी कुंवारियां हैं? 10 जो जितने भी, एक है दो जो भी है नंबर में, आधा जब दुल्हा आया था आधे लोग तैयार था, वो दुल्हे के साथ अपनी शादी में चला गया और आधा क्या था? तेल लेने गए, रोते रह गए, शादी हुआ नहीं, दुल्हा आया नहीं, बोलते रहे हो जाएगा देख ही जाएगा, बट तैयार करो अपने आप को, आपका दुल्हा इस धरती, पता नहीं आपका नंबर कब आने वाला है। Amen. हेवन के लिए अपने आप को तैयार करके रखो, हेवनली पर्सपेक्टिव में जियो, इस धरती में आप जीने के टाइम में, जब मेरा दुल्हा आएगा, मेरा मसीहा आएगा। आज आपने जिस कपड़े में तैयार है, दुल्हन के कपड़ा है वाइट, जो वाइट पहना नहीं है पड़ोस में पूछो, भाई वाइट क्यों नहीं पहना? बैठ तो सकते हैं बट फिर भी क्या हो गया, 500 रुपये 800 रुपये में सूट मिल जाता है, यह मैंने पहनना ही नहीं है, मेरा मर्जी चलेंगे, फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते भैया, सासू माई उनको ठीक कर सकता है। कुछ तो आदमी से ठीक ही नहीं होता ना, जय मसीह, मैं उस एरिया में नहीं जा रहा। जब आप जाएंगे दुल्हन के पास, क्या लेके जाएंगे?
दुल्हन यीशु से मिलने जाएंगे, क्या ले जाएंगे आप? सोना, दहेज। वाइफ अपने आप को देता है हस्बैंड के पास, वाइफ का उसका शरीर देता है, मन देता है, उसका लव देता है, वो परिवार छोड़ के आता है। बट आप यीशु के पास जाएंगे, क्या ले जाएंगे? आत्माएं। अपने आप खाली जाओगे क्या दुल्हन के पास? कुछ आत्माएं जीत के जाना परमेश्वर के पास इवेंजलिज्म के द्वारा। चर्च ने दोबारा इवेंजलिज्म शुरू कर चुका है, इवेंजलिज्म तो चलते आ रहा है, बट रिस्क लो परमेश्वर के लिए। मेरी, आप बिजनेस करने वाला रिस्क लेता है ना, बिजनेसमैन कितने हैं? बिजनेस में रिस्क है नहीं है? व्यापार करते, बिजनेस करते हो ना आप? रिस्क है बिजनेस पे, रिस्क होता है ना। आपने कैपिटल लगाया, पैसा लगाया, होटल खोला, पता नहीं कल कोई आए नहीं आया, दुकान खोला, कपड़ा लगाया, माल लगाया, कोई आए नहीं आए, तो क्या होगा? रिस्क है। बट आप जिंदगी के लिए रिस्क लेता है, परमेश्वर के लिए रिस्क लेने वाला बहुत कम है। आज यीशु के लिए रिस्क लो, मार्केट में निकलो, पैम्फलेट ले जाओ, इवेंजलिज्म करो, इवेंजलिज्म टीम से पूछो इवेंजलिज्म कैसे करते हैं। 10 लोगों को यीशु के बारे में शेयर करो। जब 4 बंदे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, पूछेंगे भाई कहां से बचा? एक भाई था जी यीशु के सामने, वो बोलेंगे एक भाई था, मुझे एक पैम्फलेट दिया, यीशु के बारे में पता चला, चर्च में आया, मन दिया, मैं प्रभु तेरे सामने आया। कौन था वो बंदा? वो था जी राहुल, वो था सचिन, वो था खुशबू, वो था रीमा। नाम बताओ, मैं सुनना चाहता हूं आपका नाम। वो था राजपाल, वो था सुनीता, और बताओ, सुना नहीं? तन्नु, उसने किया मेरे लिए परमेश्वर काम। आप जब जाएंगे खाली हाथ नहीं जाना, 10 आत्माएं कम से कम जीत के जाना। बोलो पड़ोसी को, 10 आत्माएं पूरी जिंदगी में, 10 आत्मा जीतो पूरी जिंदगी में। कितने आत्मा जीतने? 10 लोगों को शेयर करो, कलीसिया में लेके आओ, गवाहियां सुनेंगे, वो यीशु को अपना जिंदगी देंगे। खाली जाओगे दुल्हन, दुल्हनिया से मिलने, दुल्हनिया नहीं, दुल्हा से मिलने, खाली जाओगे? आदमाओं के साथ जाना। बोलो पड़ोसी को, किसके साथ जाएंगे? आदमाएं के साथ, जीत के, 10 लोगों को जीत के परमेश्वर में जाएंगे। आमीन। खाली नहीं जाना। आज हमारी इवेंजलिज्म पैम्फलेट के लिए आज एक सेकंड ऑफरिंग लेंगे, परमेश्वर के आत्मा गाइड कर रहे हैं। और हर व्यक्तियां, अगला पैम्फलेट बहुत कुछ नया डिजाइन छपने वाला है, अगले हफ्ते से और अवेलेबल होंगे। ले जाओ, स्ट्रीट में निकलो, गलियों में, मोहल्लों में शेयर करो, इनवाइट करो, कलीसिया में लेके आओ। अगला क्रिसमस तक छुट्टी लेंगे, अभी जनवरी फरवरी में ठंड के टाइम थोड़ा रेस्ट लेंगे। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में कोई ना कोई दिन में या सुबह या शाम आपने 1 घंटा इवेंजलिज्म करना है। और इवेंजलिज्म जिसको करना नहीं आता, एडमिन ऑफिस में जाइए, इवेंजलिज्म टीम में मिलिए, पूछिए कैसे करते इवेंजलिज्म, उसको फेस कैसे करना, क्या करना, उनसे मिलना, फिर पैम्फलेट्स आप ले जाइए, ट्रैक्स ले जाइए, बांटिए और कलीसिया में लोगों को लेके आए। मेरा प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपको सही लोगों तक लेके जाएंगे, यीशु के सामर्थ नाम से। पवित्र आत्मा आपको सही लोगों के पास ले जाएंगे और आपके द्वारा आत्माएं जीती जाएंगे। लाइफ ग्रुप की लीडर्स को मैं चुनौती देता हूं, अपनी टीम को, अपने लाइफ ग्रुप को, अपने परिवारों को समझाओ, नेक्स्ट लेवल लॉन्च करो आप इवेंजलिज्म। और मेरा विश्वास है क्रिसमस तक हम हजारों आत्माएं जीतेंगे, यीशु के सामर्थ नाम से। आपके द्वारा, आपको पता नहीं होगा उस खुशी, जब आपके द्वारा कोई आता है वो बपतिस्मा लेता है, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तब उतना खुश नहीं हो सकता आप। जिसने वो किया उसी को पता होता है। मैं सबसे खुश होता हूँ बपतिस्मा के टाइम, बपतिस्मा किसी को देता है, और वो मेरे लिए नहीं केवल खुशी, क्योंकि हो सकता है मैं तो उसको उस दिन मिल रहा होगा, मेरा उसके साथ शेक हैंड भी किया नहीं होगा, बट किसी बहन ने, भाई ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसको कलीसिया में लेके आया, उसको समझाया, गॉसिप किया उसके साथ या समझाया उसको। कुछ चर्च में क्या करते हैं? कुछ चर्च में क्या करते हैं? वही जो घर पे मोहल्लों में करते हैं। बट किसी ने समझाया, किसी ने उनको बताया परमेश्वर के बारे में, उनको मोटिवेट किया, उनके साथ खड़ा रहा, उनके लिए उपवास करा, और जब वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, आप उस खुशी को महसूस नहीं किया? मैं कह रहा हूं 1 करोड़ आपको कोई फ्री में दे, तब आप खुश नहीं हो सकता, जब एक आदमी बचाया जाता है जो खुशी मिलता है। एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक्सपीरियंस कर लो। बोलो पड़ोसी को, आत्माएं जीतेंगे, क्योंकि दुल्हन के, दुल्हा के पास खाली नहीं जाना। बोलो नहीं जाना खाली हाथ। कुछ यीशु के लिए 10 आत्माओं को गिफ्ट लेके जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। रेवलेशन अध्याय 3:18,
तो सारे लाइव ग्रुप लीडर्स अगला अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपके लाइव ग्रुप डबल होना चाहिए। आप कलिशिया में क्रिसमस के टाइम में 1000 बपतिस्मा लिया हो व्यक्ति और 1000 न्यूकमर्स होना चाहिए कलिशिया में। टारगेट दे रहा हूं 2000 आत्मा पहुंचना है, 1000 लोग बपटाइज्ड, 1000 से अधिक लोग नई लोग परमेश्वर में होना चाहिए। अपनी धन दौलत संपत्तियां सब लगाओ परमेश्वर के लिए। और इन दिनों में मैं इवेंजलिज्म के ऊपर और एक दिन क्लास दूंगा, सिखाऊंगा, चर्च में शेयर करूंगा। गो एंड शेयर। रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क मेरे ऊपर है। सबसे बड़ा रिस्क किसके ऊपर है? बट मैंने सोच रखा है भाई, जब जाएंगे मालिक को जवाब देना पड़ेगा मुझे, तूने क्या किया। आपका जवाब क्या होंगे? आत्माएं जीत के आए जी, आत्माएं जीत के आया। और रिस्क लो परमेश्वर के लिए, बाहर निकलो, 10 लोगों को बताओ, रिस्क लो परमेश्वर के लिए। व्यवसाय में आप रिस्क ले सकते हैं। अरेंज मैरिज हुआ, आपका शादी हुआ, पता नहीं आदमी कैसे औरत कैसे, आपको पता था? नहीं पता था ना। शादी हुआ पता था हस्बैंड कैसे होने वाला, वाइफ क्या होना। शादी में एक रिस्क लिया आपने, और ये रिस्क लो आप, और इसमें 100% रिवार्ड होंगे और जीत मिलेंगे यीशु के सामर्थ्य में। आमीन, आमीन। सो बस बैठे मत रहो एक कोने में, हो गया, आया गया जी, मेरा प्रेयर जवाब हो गया। नहीं, जवाब देंगे परमेश्वर को और रिस्क लेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर होगा। हजारों आत्माएं आपके हाथों में आने वाला है, आपकी प्रॉफिट होंगे हजारों आत्माएं। आमीन। खाली नहीं जाएंगे परमेश्वर के सामने, बोलो खाली नहीं जाऊंगा। खाली नहीं जाएंगे, भर के आत्मा के साथ, आत्माओं के साथ, बोलो आत्मा के साथ जाएंगे। आमेन, आमेन। रेवलेशन 3:18, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और जब यीशु से आप कपड़े लेते हैं, आपके नंगेपन कवर हो जाता है। मेरी और आपकी जिंदगी में आपने ऐसे पाप किया, ऐसे काम किया, शर्मिंदा हूं हम। मेरी लाइफ की कुछ पोर्शन से मैं शर्मिंदा हूं, मैं बताना भी नहीं चाहता किसी को, मैं खुद ही याद नहीं रखना चाहता ऐसे दिन, ऐसे काम जो किया। तो शर्मिंदगी बहुत है लाइफ में। बट यीशु कह रहे, जब मेरे पास तू आएगा, मैं अपने कपड़े से तुझे ढकेंगे, कवर करेंगे, तेरा हर शर्मिंदगियां दूर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। कौन वो शर्मिंदगी कवर कर सकता है? यीशु। तो कपड़ा किससे लेना? परमेश्वर से लो। खरीदो मतलब परमेश्वर कह रहे, तू मेरे पास आ, अपनी जिंदगी दे, मैं तुझे एक नई जिंदगी, नई आशीष, नई बरकत, नई सामत के साथ ठीक करता हूं, आशीष करता हूं, अनुग्रह देता हूं। रेवलेशन 16:15। देख, मैं चोर के समान आता हूं। प्रकाशित हुआ के अध्याय 16:15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वे हैं जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया वाइट गारमेंट्स कपड़े, मैं सोचा बहुत कुछ जगह परमेश्वर कह रहे अपने कपड़े का ध्यान रख। जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया गया, जो ओलंपिक्स में अवार्ड जीता है, रिवॉर्ड जीता है, या कोई इंपॉर्टेंट पोजिशन में जाता है, वो अपना मेडल क्या करता है? यूं किचन में डब्बे में फेंके रखता है या सही जगह अपनी जगह बचा के रखते हैं? अपनी सोने कहाँ रखते हो आप? बस खुला हुआ कहीं भी आप गया, बस ऐसे डालते हो या आप संभाल के रखते हो? क्योंकि वो कीमती चीज है, आपको दिया गया उद्धार, सैल्वेशन, मसीह जिंदगी भी कीमती चीज है, उसको संभाल के रखना, उसको खराब होने नहीं देना। और ये अकेला नहीं होगा, उसकी ग्रेस, उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसकी फेवर मांगो, परमेश्वर मुझे ब्लेस करके रखा। केवल शारीरिक नहीं है, मेरी उद्धार को प्रोटेक्ट करके रख परमेश्वर, मैं तेरे उद्धार में, तेरी धार्मिकता में डिपेंड होके आगे चलना चाहता हूं। आमीन। एक ये सब बात मैंने समझाया, और एक मैं आज दिल दिमाग में रख के भेजना चाहता हूं आपका, अपनी दुल्हा के पास जाने के टाइम पे जितनी भी दुल्हन आज बैठे, खाली नहीं जाना, कम से कम 10 आत्माओं के साथ जाना, और लिखे रखे प्रार्थना करना शुरू करो। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, जो जो जानते, लिखे रख लो, प्रार्थना करो, कुछ दिनों में वो जीते हुए आत्मा में आते हुए, परमेश्वर में आते हुए आपको दिखेंगे। आमीन। मुझे नहीं पता, मुझे तो आत्मा जीतने के लिए डिजायर है, वो पैसे के लिए नहीं, नेम के लिए नहीं, फेम के लिए, वो
पता नहीं दिमाग में विन द सॉल्स, और लोगों जीतो, परमेश्वर में और लोगों को लेके आओ, आपके अंदर भी वो होना चाहिए। ये जब आप वो काम करना शुरू करेंगे, आपके घुटने का दर्द, बीमारी, शर्मिंदगी, कर्जा दूर होंगे। आपने बारिश के लिए प्रार्थना किया, बारिश आने के टाइम में पूरी गली में बारिश दे रहे, परमेश्वर आपके घर छोड़ेगा। जो बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे लगता है 5 मिनट एक्स्ट्रा उसके घर के सामने बारिश बरसाएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे एक देश बचे जाए, लोग बचे जाएं, दूसरा कोई शराबी को प्रभु में लेके आ रहा है, उसकी उस बहन का घर बचा रहे, जब उस बहन से प्रार्थनाएं जाएंगे, परमेश्वर ये मेरा हस्बैंड शराबी था, बीमारी था, परेशानी में था, कैंसर में था, ट्रबल में था, दुखी में था, किडनी फेलियर में था, प्रभु तूने चुना, उस बहन ने मुझे कलीसिया में लेके गया, जब रिवॉर्ड आएंगे आपको भी परमेश्वर एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आएंगे अपने पैरों में प्रार्थना में जाएंगे, कुछ टाइम आराधना करेंगे। आज परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।